दिन में एक चम्मच लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक तो मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ नसों की ब्लॉकेज तो ठीक होएगी ही। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक लेते हो तो आपकी पुरानी से पुरानी ब्लॉकेज की समस्या सॉल्व हो जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? अगर आपको नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपका जो है ना जो ब्लड है जो गाढ़ा होने लगा है, हार्ट स्ट्रोक्स पड़ने लगे हैं, खून के धक्के जमने लगे हैं, नस पे नसों में जो खून का बहाव है ना, आपको लग रहा है कि वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आज एक ऐसा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नसों में जो रुकावट आती है खून के बहाव में, उस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गाइस, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, जिंजर का एक पीस हमने यहाँ पर लेना है। उसको अच्छे से वॉश करके, पील ऑफ करके ग्रेट कर लेना है। ग्रेटेड जो जिंजर है उसको आपने अच्छे से स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लेना है। अदरक का जूस, जिंजर जूस हमारे नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो ये 1 स्पून की क्वांटिटी में यहाँ पर इसका जूस निकल गया है और इसके अंदर अब हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है वो है हनी। हनी जो है वो जितनी मर्जी पुरानी ब्लॉकेज हो उसके लिए बहुत तेज़ी से वर्क करता है। तो यहाँ पर हनी भी मैं जो है ना 1/2 स्पून की क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून जिंजर जूस और 1/2 स्पून यहाँ पर हनी डाला है मैंने। दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैं लेमन डालूँगी। लेमन का जूस जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करने में काफ़ी वर्क करता है और आपको जितना भी डाइजेशन में भी दिक्कत आ रही है ना, ये फॉर्मूला डाइजेशन में भी आपको फ़ायदा देगा। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये फॉर्मूले को आपने रेडी कर लेना है। इस फॉर्मूले का 1 चम्मच यानी कि 1 स्पून आपने दिन में एक बार कंज्यूम करना है। खाली पेट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग खाली पेट नहीं ले सकते वो दिन में एक बार यानी कि दोपहर के खाने के 1-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। दिन में 1 चम्मच लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक तो मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ नसों की ब्लॉकेज तो ठीक होएगी ही। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक लेते हो तो आपकी पुरानी से पुरानी ब्लॉकेज की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले को रेफ्रिजरेटर में 1 वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, लेकिन जब भी आपने इसको कंज्यूम करना हो निकाल कर 1 घंटा पहले रख दीजिए बाहर, ताकि ये तासीर इसकी ठंडी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हो तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहती सेहत के लिए। तो जब भी लेना हो, लेने से 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए और फिर 1 चम्मच की क्वांटिटी अच्छे से शेक करने के बाद लीजिए। रेगुलर बेस पर लेने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नसों में ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पाना है तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।